गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अक्रॉस विथ रोहिणीस। चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लास्ट ट्रैवलिंग व्लॉग में मैंने मथुरा वृंदावन का टूर करवाया था और आज हम लोग चलते हैं दिल्ली के बहुत ही फेमस मार्केट में, लाजपत मार्केट। गाइस, जनवरी का ये फर्स्ट वीकेंड है और पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है हमारे यहाँ, और सुबह 10-10:30 बजे तक ये कोहरा रहता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव्स भी रहती है गाइस। तो हमारे लिए तो मतलब हमारा घर ही हिल स्टेशन बन जाता है। सो गाइस, हम लोग भी सुबह 10:30 के बाद ही निकले हैं लाजपत नगर के लिए, और लेट्स सी कि इतनी ठंड है तो वहाँ पे क्राउड का कैसा सीन होता है, क्योंकि हम लोग अभी लाजपत नगर के आसपास ही पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आते ही जो पार्किंग वाले जो बंदे खड़े होते हैं वो आपको रास्ते में बता देते हैं कि आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे एक बंदे ने बता दिया है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। लेफ्ट साइड में लाजपत नगर का बोर्ड लगा हुआ था तो वहीं पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम लोग वॉक करते करते मार्केट में अंदर जाएंगे। तो ये जो रोड है, यहाँ दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स है, और जो मेन जो मार्केट है, जो स्ट्रीट मार्केट, वो ये राइट साइड के बिल्डिंग के पीछे है। तो चलते हैं लाजपत नगर के मार्केट में। और गाइज, यहाँ हम लाजपत नगर के मार्केट में पहुँच चुके हैं। इतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं लग रही है, मतलब शांति से हम लोग एक एक शॉप पर रुक के देख पा रहे हैं। अभी तो 80% मार्केट विंटर का ही मिलेगा आपको, बाकी भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन जो अभी विंटर चल रहा है इसलिए आपको जो जो वैरायटी जो है, आपको ज़्यादा वैरायटी आपको विंटर्स की ही मिलेगी। कपड़ों के मामले में जो लेटेस्ट फैशन या फिर जो जो ट्रेंड चलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैकेट्स, चप्पल और लेटेस्ट ट्रेंडिंग वाली बैग्स, और यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक ये ड्राई फ्रूट्स की भी शॉप है। काफ़ी सारी शॉप्स है गाइस, तो आगे और एक्सप्लोर करते हैं। गाइज, अभी मेरे लेफ़्ट साइड में चाट कॉर्नर है और वहाँ पे कुछ गर्मा गर्म कुछ बनाया जा रहा है, तो अब लगी है मुझे भूख, तो यहाँ पे कुछ खा लेती हूँ मैं। और यहाँ पे ये ऐसी गली जा रही है अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है बिकने के लिए। तो ये अभी ये लेटेस्ट चल रहा है ये वाला, और वहाँ पे एक छत के नीचे एक बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे है फेमस मटर कुलचे, एक प्लेट मटर कुलचे ले लिए है, और मैंने यहाँ पे लिए आलू टिक्की। सो गाइस, अब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, उसके बाद यहाँ पे चाट कॉर्नर, वहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और एक आगे से एक गली जाती है, और मेरे राइट हैंड साइड में भी एक गली जा रही है, वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं, और वहीं पर मटर कुलचे वाला बैठता है, तो वो भी बहुत फेमस है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहीं पे आपको गर्मा गर्म चाय भी मिल जाएगी, तो बस और क्या चाहिए गाइस, शॉपिंग, चाय और गर्मा गर्म स्नैक्स। सो गाइस, अब ये चाट कॉर्नर की गली से अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या है। तो मुझे लेफ्ट साइड में दिख रही सुंदर सुंदर बैग्स टंगी हुई है, और ड्रेस मटेरियल्स भी दिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में नींबू शरबत, शिकंजी, ये सब भी चीज़ें हैं। अभी तक मैंने जो
इस मार्केट में, हाँ यहाँ पे फल भी दिख रहे हैं तो आते आते ले लेंगे। तो मैं कह रही थी गाइस कि अभी तक मुझे जो 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 चीज़ें दिखी है ना, तो पूरा फ्रेश स्टॉक दिख रहा है मुझे। मतलब ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता जैसे किसी ने यूज़ किए हुए हैं, ऐसे वाले बिल्कुल नहीं लग रहे। अच्छा पूरा फ्रेश स्टॉक है और लेटेस्ट ट्रेंडिंग वाला पूरा यहाँ पे स्टॉक आपको मिल जाएगा। और रेट्स भी कैसे रिजनेबल, जैसे जो स्ट्रीट मार्केट वाले जो रहते हैं वैसे हैं। और एक दो जगह मैंने बार्गेनिंग भी करके देख ली तो कम कर दिया था उसने, लेकिन ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। जैसे ये पिलो कवर्स भी है, पिलो और कर्टन्स की भी शॉप दिख गई थी, मोबाइल कवर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये तो, मतलब एक गली से अंदर जाओ तो अंदर जाने के बाद ही और दो तीन गलियाँ मिल जाती है घूमने के लिए। तो बस ऐसा है कि घूमते रहो, जितना घूमोगे उतना कम ही लगता है शॉपिंग के लिए। गाइस ये शकरकंद है, इंग्लिश वाला स्वीट पोटैटो। भाई अब तो भीड़ बढ़ने लगी है तो लगता है अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल बेकार लगता है मुझे शॉपिंग करना। और अभी ये जो बोर्ड लगा था ना, डोलमा आंटी मोमोज़, तो ये बहुत ही फेमस मोमोज़ है यहाँ के, इस एरिया के, दिल्ली के बहुत फेमस मोमोज़ है ये। एक्चुअली मुझे पर्सनली मोमोज़ पसंद नहीं, इसलिए मैं आपको टेस्ट करके उसका रिव्यू नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हमने यहाँ पर ये ले लिए गन्ने के पीसेस रखे हुए, तो वो ले लेते हैं। डोलमा आंटी मोमो शॉप के बाजू में ही गर्मा गर्म राम लड्डू बन रहे थे, तो हमने एक प्लेट राम लड्डू ले लिए।
गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, इसलिए हम लोग अभी उस मार्केट से बाहर आ चुके हैं। और ये जो रोड है जहाँ से हम लोग आए थे, अब वहाँ पे थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद अपने गाड़ी के पास जाके वापस अपने घर चलते हैं। सो गाइस, ये लाजपत नगर की जो मार्केट है, अंदर की भी बहुत बड़ी मार्केट है, और ये जो बाहर जो है वहाँ पे भी अब ये मार्केट लगना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी आप शॉपिंग कर सकते हो। अभी भीड़ काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए हम लोग, मैंने आपको ये बहुत ही शॉर्ट में लाजपत नगर मार्केट का टूर दे दिया है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा आ गया होगा कि ये लाजपत नगर का मार्केट कैसा है। हम लोग जब आए तब ये रास्ता पूरा खुला पड़ा हुआ था, खाली था, लेकिन अब यहाँ पे भी भीड़ स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, अगर आप लोग ट्रैवलिंग व्लॉग देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाती हूँ। और अगर आपको दिल्ली NCR की जो आसपास की जो जगह है उसके ब्लॉग्स देखना पसंद है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कई बार जिम कॉर्बेट जा चुके हैं, कई बार ऋषिकेश जा चुके हैं, हमारे तो मतलब वो बिल्कुल घर आंगन जैसा ही है। तो हम लोग जिस रिज़ॉर्ट में रुकते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं, वो सारी चीज़ें मैं वो सारे लोकेशन में रिकॉर्ड करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरा ये ब्लॉग और मेरे प्रीवियस ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग अभी अपने गाड़ी के पास आ गए हैं, तो अब चलते हैं वापस अपने घर। और यहाँ आके देखा तो पार्किंग वाला बंदा जो था वो गायब हो चुका है, अब उसे पहले ढूंढते हैं और फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं और देन बैक टू आवर होम। सो गाइस, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।